इसमें से बना देखते हैं कैसे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आज है 12 नवंबर और हमारे वापस जाने में 3 दिन बाकी हैं। इसमें से कैसे नजर आता है, किधर है? खैर तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। खैर हम बैठे हुए अभी हम लोग ना यहाँ पे एक 7-Eleven की तरह का कन्वीनियंस स्टोर है, वहाँ पे आके बैठे हुए हैं। हमने पुराने वाले होटल से चेकआउट कर दिया था 12 बजे और अभी हम लोग यहाँ दूसरी जगह पे आके बैठे हैं और वो बोलते हैं कि भाई 3 बजे से पहले आप चेक इन नहीं कर सकते हैं एयरबीएनबी के लिए। तो बस हम लोग यहाँ पे आके ख्वार हो रहे हैं, रुल रहे हैं, नींद से मेरी हालत ख़राब है। और हमने आके यहाँ पे नाश्ता किया इसी कन्वीनियंस स्टोर से, तो हमने कहा अगर यहाँ नाश्ता करेंगे तो यहाँ बैठने देंगे ना हमें। खैर यहीं पे हम लोग टिक के बैठे हुए हैं, वो बेचारे सोचते होंगे खा के चले जाएंगे, लेकिन हम गए नहीं वापस। फिर अभी खैर हम 3 बजने का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत अलग सीन है यार होटल्स की और एयरबीएनबी की चेक इन वगैरह का। मैं जब यहाँ पे आई हूँ तो मुझे पता चला, इससे पहले मुझे इन चीज़ों का कोई आइडिया नहीं था। जैसे हम लोग तो ये सोचते ना कि बस लॉबी में जाएंगे, वहाँ से जाके हमें वो बता देंगे जी ये आपका रूम है ये वो, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको जानना है कि यहाँ पे क्या सीन है, ये वो क्या सिस्टम है, तो मुझे कमेंट करें, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँगी। और बस थोड़ी देर बाद आपको अपार्टमेंट का टूर भी दे देंगे हम। तकरीबन 1 घंटा जलील होने के बाद हम लोग एयरबीएनबी में आ गए हैं। वो बंदा जिसको हमने कांटेक्ट करना था वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। फिर हमने आधा घंटा लाइन में खड़े होके रिसेप्शनिस्ट से वो सारा प्रोसीजर करवाया और अब हम पहुंचे हैं ऊपर। घर प्यारा है, इट्स 2-बेडरूम अपार्टमेंट। मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट। जैसे ही आप एंटर होते हैं आपको सामने नज़र आता है आपका किचन। ये है उस किचन का काउंटर टॉप, सामने पड़ा है फ्रिज, वो है चूल्हा, सिंक, और यहाँ पे पता नहीं क्या। एक मिनट देखते हैं, एक मिनट ये देखें पूरा ये मिरर, इतना बड़ा मिरर है यार, ऐसा शीशा घर में लाजमी होना चाहिए इंसान के। अब देखते हैं ये क्या है, मुझे तो पता नहीं है। अच्छा सफाई के लिए कुछ पड़ा हुआ है, और इस जगह को तो खुद सफाई की ज़रूरत आई। और यहाँ से जब आप इधर आए तो एक वॉशरूम है जो ठीक है लेकिन उसका शावर टूटा हुआ है। फिर यहाँ पे है डाइनिंग टेबल, साथ में 4 कुर्सियाँ थी शायद इसकी, पता नहीं। खैर यहाँ पे है एक और खूबसूरत आलीशान शीशा और ये बल्ब्स और ये स्टडी डेस्क। ये प्यारा है, मतलब फर्नीचर इनका बहुत मिनिमल सा है और प्यारा है। और यहाँ पे सोफ़ा है सेंटर में, साथ टेबल है, साथ टीवी है, और ऊपर ये बहुत सीधा सा एसी लगा हुआ है। बहुत गर्मी है यहाँ पे। और ये है हमारी विंडो और उसका व्यू, बाहर से इतना प्यारा लग रहा है ना। चेक करें ज़रा, यहाँ से जब आप जाएँ तो आपके पास हैं 2 बेडरूम्स। एक बेडरूम ये है, उसके यहाँ पे आयरन करने के लिए दिया हुआ है आयरन बोर्ड और हैंग करने के लिए। और ये है एक लॉकर, साथ में आयरन, पता नहीं अब इनमें से कौन कौन सी चीज़ें चलती हैं कौन सी नहीं, लेकिन पड़ी ज़रूर हुई हैं। और ये वाला वॉशरूम इज़ वे बेटर, बिगर एंड हर चीज़ पूरी लगी हुई है। फिर यहाँ पे साथ में है एक किंग साइज बेड और मोर विंडोज। दूसरे बेडरूम की तरफ चलते हैं, ये है दूसरा बेडरूम और ये थोड़ा छोटा है, वो मास्टर बेडरूम है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा पसंद आया क्योंकि ये खिड़की के बहुत पास है। और बस पता नहीं इससे मुझे ज़रा अच्छा फील हो रहा है। साथ में ये पड़ी हुई है, लगी हुई है लंबारियाँ। तो बस गाइज ये था मेरा एयरबीएनबी का टूर और अब मैं नींद से बिल्कुल मरने वाली हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ना मर के दोबारा नाजिल हुई हूँ सिर्फ ये वीडियो बनाने के लिए। और इतनी गर्मी है ना इस टाइम, अल्लाह की कसम। बहरहाल मैं ज़रा नहाऊँ धोऊँगी, कुछ खाऊँ पीऊँगी और फिर उसके बाद मैं कोई वीडियो बनाऊँगी अगर मेरा दिल करेगा तो। ओके
अपना ख्याल रखें, वीडियोस को एंजॉय करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहें। गाइस एक बात मैं मेंशन करना भूल गई थी, यहाँ पे आप ये देखें कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है, मतलब जहाँ देखो वहाँ पे है। ये तो एक मेरी खिड़की मनोज खुल नहीं रही यहाँ की, वरना आप लोगों को खिड़की खोल के दिखाती। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। गाइज एक बात ये है कि ये जगह तो बहुत प्यारी है, ऑब्वियसली सब ने देखी, आप लोगों ने देखी है, ठीक है, लेकिन इनकी जो मैनेजमेंट है ना वो बहुत ही मतलब 1 out of 10 है जी। यहाँ पे जो चेकआउट टाइम होता है वो 12 बजे होता है, मतलब इतने बजे आपने अपनी वो अपार्टमेंट होटल जो भी है ना वो छोड़ देना है। लेकिन जो चेक इन टाइम है ना एयरबीएनबी का तो यही है, तो उनका ये सीन है कि भाई आपने 3 बजे चेक इन करना होता है, किसी का 2 होता है, किसी का 3 होता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे 1 बजे से आके बैठे हुए थे और फिर भी हमने उस बंदे को 3 बजे कॉल करनी शुरू की, जो हमारा कह लें फॉर एग्ज़ाम्पल जो एजेंट है या जिसने हमें मतलब रूम दिया ना, तो हमने उसको कॉल करनी शुरू की, उसने 4 बजे तक कॉल नहीं उठाई। अब 1 घंटे से शायद किसी और को फ़र्क ना पड़े, लेकिन इट इज़ अ बिग डील जब आप इतने पैसे पे कर रहे हैं ना। इस 2 बेडरूम अपार्टमेंट का इतना ज़्यादा तो नहीं है, बट है तकरीबन 260 मलेशियन रिंगिट 1 दिन के, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, अगर आप इतना पे कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि मतलब आप एटलीस्ट हर चीज़ प्रॉपर्ली प्रोवाइड करें। भाई उस बंदे ने 1 घंटा हमारा फ़ोन ही नहीं उठाया, फिर फ़ोन करके हमें बोला कि अच्छा ठीक है अब आप लोग जाके वहाँ से जी रिसेप्शन से ख़ुद ही चेक इन कर लें। जो इतनी गालियाँ आ रही हैं ना इस टाइम, भाई अगर ख़ुद ही हमने चेक इन करना था तो हमें पहले भोंक देता, हम 1 घंटा पहले चेक इन कर लेते। फिर 4:30 बजे के करीब हम लोग अपने इधर अपार्टमेंट में पहुँचे हैं और साथ में हमारे इतना सामान है ना, बंदा अकेला हो तो इतना तंग नहीं होता, लेकिन इतना सामान होता है साथ, जब जाहिर है 4 लोग हैं हम लोग। खैर और दूसरी ये बात, भाई ऊपर आए हैं ना कोई एसी चल रहा था, जब तुम लोगों को पता है कि भाई गेस्ट आज आएगा ही आएगा, ठीक है, उसका चेक इन है, वो चेक इन कर रहा है, जो भी है उसकी बुकिंग है, तो तुम लोग एसी चला के रख दो। यहाँ पे इतनी गर्मी है ना, यहाँ पे वो हिसाब नहीं है कि 5-10 मिनट एसी नहीं चलेगा तो आप मतलब कहोगे चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी इतनी नहीं भी है तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा, इंसान का सांस बंद होना शुरू हो जाता है। और बहुत हसीन बात यह है कि उसने अभी तक हमें वाईफाई का पासवर्ड नहीं दिया। वो रिसेप्शन पे जो लड़की थी बोलती है कि आप ऊपर जाएं रूम चेक करें, आधे घंटे तक आपको वो दूंगी पासवर्ड। मतलब क्या तुक बनता है इस बात का, भाई पासवर्ड दो हमें। गुड मॉर्निंग गाइज, आज हमारा यहाँ पे 3रा दिन है, 2रा दिन है या 3रा दिन है, मुझे तो बिल्कुल टाइम का कोई ट्रैक ही नहीं है। खैर हुआ ये था, अपडेट ये थी कि उस वाले अपार्टमेंट में इतने ज़्यादा मसले मसाइल थे तो हमने कहा हम तो यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकते। भाई मैं उसके पास बार बार जा रही थी कि ठीक करो ठीक करो, लेकिन वो कुछ भी इतना ख़ास ठीक नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने एक ही ऐसी ठीक करवा के दिया, हमें वाईफाई 4 घंटे बाद हमें लगवा के दिया। फिर उन्होंने बोला कि भाई अब 12 बज गए थे, कुछ भी ठीक नहीं हुआ था, फ्रिज चल नहीं रहा था, माइक्रोवेव भी नहीं चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई सुबह हम लोग आपका कमरा चेंज कर देंगे। फिर हमने जैसे तैसे रात गुजारी और उनको सुबह बोला कि हमें रूम चेंज करके दें अपार्टमेंट, तो अब उन्होंने ये अपार्टमेंट हमें 2रा दिया और इसमें एसी तीनों चलते हैं। ऑब्वियसली फिर हमने इतनी ख्वारी करने के बाद हर चीज़ चेक की दोबारा, और एक लड़का इनका जो मेंटेनेंस वगैरह का काम करता है उसका नाम फरमान है, उसने काफ़ी हमारी हेल्प की। उसको मैंने बोला कि अगर तुम अब ना आए हमारी चीज़ें ठीक करने तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूँगी। वो बेचारा, खैर मैंने गुस्से में नहीं बोला था, ऐसे ही उसको मजाक से बोला था। खैर वो सर ना फटवाने के लिए ना वो फटाफट आ गया, फिर चीज़ें वगैरह ठीक कर गया। और लेकिन यहाँ पे अभी ये सीन है यार कि इनके बाथरूम इतने डिप्रेसिंग, ऐसे लगता है आप किसी ना, वो नहीं होती रेलगाड़ी होती है ट्रेन, उसके पुराने पुराने बाथरूम नहीं होते, उस तरह लगते हैं इनके बाथरूम। उसकी वो जो ऊपर छत है ना उस बाथरूम की, वो टिप 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 ठंडा ठंडा पानी उससे टिप टिप बहता है। बट एनीवेज अब इससे क्या हो सकता है, मुझे लगता है कि इस होटल में ना बाकी सब ठीक है, रिसेप्शन पे जो लोग बैठे हुए हैं वो भी ठीक हैं, ये वो, लेकिन यार ये होटल बस
शायद बहुत पुराना है इसलिए इसकी हर चीज़ में नुक्स है, या मुझे समझ नहीं आ रही। बहरहाल मैं दोबारा इधर कभी भी नहीं आऊँगी, लेकिन इनकी एक ही चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद है, वो इनका पूल है। वो तो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा, इनका पूल बहुत प्यारा है, बस दैट्स इट। खैर अभी मैं पूल से ही होकर आई हूँ, इसीलिए इतनी निखरी निखरी लग रही हूँ। और इसके बाद हम लोग नहा के ये वो, और फिर हम लोग जा रहे हैं बाहर, जो थोड़ी बहुत चीज़ें हमारी लेने वाली रह गई हैं वो लेकर फिर पैकिंग वगैरह जो रह गई है वो करेंगे। और कल की हमारी फ्लाइट है।